हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ पुक इंडियन आपके साथ। और पिछली बार हमने रूबी ढूंढ के दिया था उस बिल के फ्रेंड को, मुझे नाम नहीं पता अभी तक। तो गाइस, हम पोकेमॉन लास्ट फायर में अभी थोड़े पीछे तो है, और अभी मैं आ चुका हूँ फोर आइलैंड पर गाइस। और यहाँ गैरी है गाइस, और वो कह रहा है कि क्या तुम हमारी मेरी कॉपी कर रहे हो। जाने दो, क्या तुम पोकेमॉन एग के बारे में जानते हो? क्या तुम पोकेमॉन एग के बारे में भी नहीं जानते? तो तुम तुम्हारे नेशनल पोकेडेक्स में कुछ नहीं कर पाओगे बाद में, क्योंकि पोकेमोन की जानकारी पोकेडेक्स से लेती रहनी चाहिए, तभी तुम कुछ कर सकोगे। क्या तुम कुछ अच्छा नहीं करना चाहते? ओके, तो मैं तो यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आया। बाय बाय। अबे ये क्या कह रहा है भाई? तो हम क्या टाइम वेस्ट करने नहीं आए, हम रूबी लेने आए हैं भाई, और हम अच्छे अच्छे पोकेमोन भी पकड़ रहे हैं, तेरे से तो अच्छा ही है भाई। तो गैरी तो अपनी मनमानी करता रहता है, जाने दो। ओह पोकेमॉन है, मुझे नहीं पता। और डे केयर वाले पीपल कह रहे थे कि एक टाउन में वो पोकेमॉन है कि उसकी प्रॉपर्टी है, रेयर काइंड है आइस पोकेमॉन जो केव में रहते हैं इस आइलैंड पर। ओके, रेयर पोकेमॉन से मतलब इस केव में है वो। अरे गाइस मेरी गेम फ्रीज हो गई गाइस, चैंसी से कभी बात मत करना गाइस। ओके, तो मैं फिर से आ चुका हूँ गाइस, चैंसी से बात करने की कोशिश मत करना, नहीं तो गेम फिर से फ्रीज हो जाएगी गाइस। मतलब कोई भी बटन्स काम नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आपके लिए ही कह रहा हूँ, कभी भी चैंसी से बात मत करना। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। मैंने चैंसी से बात करने की कोशिश की थी, तो मैं यहाँ कुछ मैक्स रिपिल्स ले लेता हूँ। टू टू चल जाएगी भाई, दो तो बहुत हो गई, पैसे भी नहीं है अभी, पैसा आएंगे तभी लेना आएंगे भाई। मुझे पोइजन टाइप पोकेमोन पसंद है। अरे भाई टॉक्सिक ऑर्ब दे दिया भाई, हमारे कोई काम नहीं आने वाला क्योंकि। ओके, लॉरेलई रॉडलई एलाइट फोर है गाइस। क्या सच में हमने तो इस लड़की को बचाया था, क्या आपको याद है? तो पिछले एपिसोड में देख लेना, नहीं याद है तो। हमने डॉर्ले को बचाया था। ओके बात जाने दो। आइसफॉल केव में फ्रीज है, मतलब आइसफॉल केव फ्रीज क्यों हो चुकी है? क्योंकि वहाँ आइस टाइप पोकेमोन रहता है इसलिए भाई। कोई बात नहीं जाने दो। अरे भाई मैं तो इसे मिला ही नहीं। ओके, ये स्टिकर्स कलेक्ट करता है, क्या तुम्हें चाहिए? ओ तुम देखना चाहते हो? ओह एक्सीलेंट, तुम बहुत अच्छी जगह पे आए हो। देखो देखो, ये रहे मेरे स्टिकर्स। मैं तुम्हें शर्त देता हूँ, शर्त लगाता हूँ कि इससे अच्छे स्टिकर्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। तुम भाई मुझे तो स्टिकर नहीं लेना भाई, ये किसका हाउस है? ओके गाइस, लॉरले का हाउस। ओके वाओ, बहुत अच्छे गाइस। ओके स्टफ्ड पोकेमोन, सारे स्टफ्ड पोकेमोन लग रहे हैं गाइस मुझे तो, पोकेमोन डॉल्स। ओ गाइस, ये सारी पोकेमोन की डॉल्स है। तो ओके, तो चलो अभी बाहर निकलते हैं। और यहाँ पीछे पोकीबॉल दिख रहा है गाइस, प्लीज़ लॉरले को मत कहना कि मैं उसके घर के पास खड़ी हूँ। उसके पास बहुत सारी डॉल है और उसका कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। ओके जाने दो। ये दादी माँ यहाँ क्यों खड़ी है भाई? दादी माँ लॉरले फिर से आ गई है, क्या तुमने उसे सिटी में कभी देखा है? अरे भाई मुझे नहीं पता, लॉरले तो आ नहीं रही भाई। क्योंकि ये दोनों जुड़वा भाई क्या कर रहे हैं? रेडी बोइंग बॉडी स्लैम अटैक सीखना चाहते हो? ओके भाई, बॉडी स्लैम सिखाना है गाइस, तो बॉडी स्लैम सिखा देते हैं गाइस, हमारा कोई एबल हो तो पोकेमोन। यस सिखाना चाहते हैं हम। ओके डॉनफेन सीख सकता है, ग्रेनिंजा भी सीख सकता है गाइस। ओके देखते हैं गाइस कौन सा पोकेमोन बॉडी स्लैम के आगे आ सकता है। ओके ये तो स्नोर है गाइस, इसने कहा था बॉडी स्लैम और अभी ये स्नोर लिख रहा है गाइस। हमें नहीं सिखाना, जाने दो, ये तो स्नोर सिखा रहा है, हमें नहीं सीखना भाई, जाने दो। ओके आगे बढ़ते हैं। और ये दादाजी यहाँ क्यों खड़े हैं भाई, और यहाँ बीच में क्यों खड़े हैं? हमें जाने दीजिए ना रास्ते में से। अरे डे केयर मैन, मैं डे केयर मैन हूँ, मैं हेल्प करता हूँ सबको उनके पोकेमोन रखने के लिए। ओके, तो चलो इस घर में देखते हैं भाई। दादी माँ मैं डेकर लेडी हूँ, क्या तुम तुम्हारे पोकेमोन को यहाँ छोड़ना चाहते हो?
कौन सा पोकेमोन छोड़ दो भाई, मुझे नहीं छोड़ना बाहर भाई। चलो भाई अभी यहाँ हमें केव में जाना था, तो यहाँ देख लेते हैं कुछ है तो आगे बढ़ जाएगा इस। यहाँ से तो जाने का रास्ता ही बंद है, हमारे पास रॉक्स में सटेक अभी तक नहीं है, तो बाद में देख लेंगे गाइस जब भी हम रॉक्स में सीख जाएंगे बाद में। ओके तो चलो गाइस यहाँ से सर्फ करना है ऐसा लग रहा है हमें, तो देखते हैं गाइस। ओके एक पोकी बॉल है गाइस, तो स्टार डस्ट है गाइस, स्टार डस्ट मिल गई कोई बात नहीं, 1000 रुपये मिल गए मतलब स्टार डस्ट मिल गई। तो फी बस आई है गाइस, हमें नहीं पकड़नी फी बस को, फी बस तो बहुत घटिया है। वैसे तो उसका इवॉल्व फॉर्म काफ़ी अच्छा है माइलोटिक। ओके ये आइस फॉल किए हुए है ऐसा कह रहा है भाई, ठीक है चलो चलते हैं यहाँ क्या है देख लेते हैं गैस। तो गैस मैं अंदर चलता हूँ। ओके ये यहाँ देखना पड़ेगा गैस। ओ ये तो स्वाइनअप है भाई, हमें नहीं पकड़ना स्वाइनअप। चलो आगे बढ़ते हैं गैस। ओके यहाँ तो गड्ढे में गिर गए गैस, और यहाँ एक सीढ़ी है गाइस। रेजाइस, वाओ गाइस रेजाइस, हम पकड़ने की कोशिश करते हैं गाइस, अल्ट्रा बॉल है हमारे पास। अरे यार आ जाना यार रेजाइस, आ जा जल्दी से पोकी बॉल में आ जा यार, रेजाइस प्लीज़ आ जा, प्लीज़ रेजाइस आ जा, जाने दो गाइस मुझे पोकी बॉल बिगाड़नी नहीं है, वेस्ट नहीं करनी मेरे पोकी बॉल्स को। तो यहाँ एक पोकी बॉल है देख लेते हैं गाइस, अल्ट्रा बॉल। ओके ओके चलो, अरे गाइस फिर से गड्ढे में गिर गया मैं तो, अरे एक सीढ़ी में फिर से आ गया। ओके अभी नीचे चलना है भाई, चलो नीचे और अभी बाहर निकलते हैं गाइस, यहाँ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मैं कॉरफिश गाइस, ऐश का पोकेमोन लेकिन हम नहीं पकड़ेंगे, मैंने कहा था ऐश के सारे पोकेमोन पकड़ेंगे लेकिन गाइस थोड़े तो छोड़ने पड़ेंगे, पकड़ के करेंगे क्या, पकड़ में नहीं आया तो मतलब ही नहीं। तो गाइज मैंने सॉल्व कर दिया और यहाँ से HM07 मिल गया, वहाँ से हमें HM07 है, तो SM07 में वाटरफॉल है गाइज, तो हमें वाटरफॉल जल्दी से सिखाना पड़ेगा। हमारे ग्रीन निंजा को सिखा देते हैं वाटरफॉल, तो वाटरफॉल सिखा देते हैं तो तभी हम ये झरना चढ़ सकते हैं गाइज, नहीं तो नहीं चढ़ सकते। तो हम नाइट स्लैश भुला देते हैं गाइस, यही अच्छा रहेगा, आपका क्या कहना है, नाइट स्लैश भुला देते हैं कोई बात नहीं। ओके अभी भी नहीं जा सकता क्या, ऐसा क्यों भाई। ओके गाइस तो हमें पहले ग्रेंजर पर सिलेक्ट करना होगा, बाद में वाटरफॉल पर सिलेक्ट करना होगा। अरे अभी तक क्यों नहीं हो रहा भाई, क्लाइंब वाटरफॉल। ओके कांट यूज़ दैट हियर, ऐसा थोड़ी होता भाई, मुझे उस तरफ मुड़ना होगा ऐसा लग रहा है गाइस, बाद में यूज़ करना पड़ेगा। तो विशी वाशी आ चुके हैं बीच में, बीच का बंदर जाने दो, अभी मुझे पहले उस तरफ का मुड़ना होगा। तो गाइस मैं उस तरफ का मुड़ गया, अभी मुझे वाटरफॉल यूज़ करना होगा, तो वाटरफॉल पर क्लिक करना होगा। ओके तो गाइस अभी हमारा बोनस चैप्टर चल रहा है, तो जल्दी से क्योंकि बाहर निकलते हैं इस रन। ओके अरे गाइस मैं गलती से फिर से यहाँ आ गया, माफ़ करना गाइस, अभी मुझे फिर से वाटरफॉल यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी गाइस सॉरी सॉरी, मैं गलती से नीचे उतर गया, मुझे सीढ़ी पर ही जाना था। ओके स्नो आर आ चुका है बीच में यार, रन कर लेते हैं। ओके तो जल्दी से आ गया क्यों मैं, और यहाँ से जाना था हमें। और ये कौन है भाई, लॉरेले है भाई, तुम्हारे गंदे हाथ मेरे पोकेमोन की केव से दूर रखो, मैं कह रही हूँ ऐसा करो नहीं तो तुम्हें मुझे आंसर देना ही होगा। चुप रहो एक लेडी, क्या तुम्हारे ग्लासेस, तुम अरे क्या कह रहे ये लोग मुझे नहीं पता चल रहा भाई। ओके पोकी इंडियन तुम यहाँ, हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम मेरी हेल्प करो इन लोगों को भगाने के लिए, किक करने के लिए, वो इस पोकेमोन को कैच कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, क्या तुम रेडी हो, जाओ और उस एक को मजा चखा दो। क्या वो कौन कह रहा है कि हम पोकेमोन को कैच कर रहे हैं, अरे कैच तो कर रहे हैं यार, जाने दो उनकी बातों को। तो
लावा प्लम यूज़ करते हैं फिलहाल, हाउंड डोम आ रहा है गाइस, और हाइपर बीम यूज़ करते हैं हमारी, बहुत अच्छे गाइस हाइपर बीम का बहुत अच्छा डैमेज मिला है। लेकिन गाइस इन्फर्नो हम पर नहीं होना चाहिए गाइस इफेक्टिव, ये थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत सारी गलती है इस गेम में। जाने दो अभी गाइस, स्कार्मर ही आ चुका है तो चलो जल्दी से हाइड्रो पम्प यूज़ कर लेते हैं या फिर वाटरफॉल यूज़ करते हैं गाइस। पहली बार वाटरफॉल यूज़ किया और अच्छा डैमेज मिल चुका है हमें, तो हाइड्रो वर्टेक्स से ख़त्म कर देते हैं गाइस। मुझे अभी हाइड्रो वर्टेक्स यूज़ नहीं करना चाहिए था मुझे पता है, लेकिन मैं वन शॉट डाउन करना चाहता था, फिर से वाटरफॉल करता तो शायद वो बच भी जाता, जाने दो। तो हम हमारे टाइफोसन को बुला रहे, गोल बेटा आ रहा है इसलिए, तो जल्दी से लावा प्लम या फिर फ्लेम थ्रोअर यूज़ करते हैं। फ्लेम थ्रोअर यूज़ कर दिया हमने और एयर स्लेस अटैक्स पे उसने काफ़ी अच्छा डैमेज दिया है हमें, कोई बात नहीं लॉरेल। ओके बहुत ही वीक है, तुम कहो क्या तुम अभी चले जाओगे यहाँ से? नहीं नहीं मैंने ऐसा कब कहा? तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें डीप फ्रीज कर देंगे। मेरी लेप्रास बहुत फ्यूरियस है, जो भी मैं कहती हूँ वो उसके दोस्तों के लिए करती है। लेप्रास आइस बीम करो। ओके रुक जाओ, हम पोकेमोन रॉकेट हाउस वेयर हाउस में रखते हैं जो फायर आइलैंड पर है, जो भी था मैंने कह दिया, अब हम जा रहे हैं। ओके मैं, लेकिन मुझे एक डाउट है, तुमने रॉकेट वेयर हाउस कब बनाई, क्यों बनाई? है करके चले गए। पोकेनियन थैंक यू, मेरा जन्म यहाँ हुआ था और मैं यहाँ बड़ी हुई थी, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो क्रिमिनल्स यहाँ क्यों आ रहे हैं। ओके एक ही बात कह रही है, और यह इस तालाब में कौन है भाई? ओके गाइस म्यू, वाओ गाइस म्यू हमें पकड़ने को मिलेगा गाइस, वाओ काफ़ी खतरनाक है गाइस, हम पिकाचू की मदद ले सकते हैं। बैरियर ओके कोई बात नहीं, सर्फ यूज़ करेंगे पिकाचू का, कोई बात नहीं सर्फ से तो कुछ नहीं होगा, तो थंडर बोल्ट यूज़ कर। अरे यार साइकिक से पूरा फेंटेड कर दिया, तो अब हम यूवेटल की अटैक करते हैं। ओके यूवेटल ने बहुत अच्छा अटैक किया है, ओबे ऑन विंग अच्छा, ऑब्लियन विंग फिर से, अरे यार एंशिएंट पावर बहुत खतरनाक है गाइस उसका, एक और बार ऑब्लियन विंग, अरे यार फेंटेड कर दिया गाइस। तो अभी हम पकड़ने का पूरा ट्राई करेंगे और पकड़ लेंगे, तो गाइस अभी हमें मारना नहीं चाहिए नहीं तो वो फेंटेड ही हो जाएगा। अल्ट्रा बॉल डाल देता हूँ गाइस, नहीं भाई आजा जल्दी से, अल्ट्रा बॉल डाल रहा हूँ ना। ओके आ गया गाइस। ओके गाइस तो हमने मिस्टीरियस पोकेमोन मियो को पकड़ लिया गाइस, इसलिए एक लाइक तो बनता है गाइस, एक लाइक दे देना गाइस इसके लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, और ये स्नोवर बीच में आ गया है, तो अभी ये क्या कहना चाहती है भाई, और अभी भी वो वही बातें कह रही है, थैंक यू जाने दो गाइस। तो अभी ये वैनी लुक्स ये बीच में आ गए, तो चलो इसे पकड़ लेते हैं अल्ट्रा बॉल में, आ जाए तो अच्छा है, ना आ जाए तो हमें नहीं पकड़ना भाई। ओके हमारे टाइफोजन को फ्रीज कर दिया है उसने, कोई बात नहीं भाई। ओके कोई बात नहीं, पोकेबॉल में तो आ गए ना, बहुत अच्छे। ओके चलो अभी चलते हैं गाइस, चलो इस सीढ़ी से नहीं डायरेक्ट चले जाते हैं गाइस, तो यहाँ आने का मकसद हमारा ख़त्म होता है, और अभी हमें आगे जाना होगा शायद सिक्स आइलैंड पर, तो मैं पहले चलता हूँ हमारे पोकेमोन को हील कराने के लिए पोकेमोन सेंटर, तो चलो जल्दी से पोकेमोन सेंटर को मैं हील करा लिया हमारे पोकेमोन, अभी जल्दी से पोकेमोन स्विच कर लेते हैं गाइस। मुझे यूवेटल नहीं चाहिए, मैं म्यू को ले ही लेता हूँ गाइस, यूवेटल को डिपॉजिट कर देता हूँ और वहाँ से म्यू को ले लेता हूँ गाइस, मुझे म्यू पसंद है गाइस इसलिए। तो देखते हैं गाइस म्यू ये रहा गाइस म्यू, तो चलो जल्दी से ले लेते हैं। ओके विड्रॉ कर लिया गाइस, तो चलो जल्दी से चलते हैं आगे के सफ़र पर गाइस, और अभी हमें सिक्स आइलैंड मतलब एक फाइव आइलैंड पर जाना होगा गाइस, उन्होंने कहा कि वहाँ उनका वेयर हाउस है, तो चले जल्दी से देखते हैं। पहले हम यहाँ पोकेमोन सेंटर में हमारे पोकेमोन हील करा लेते हैं, नहीं तो हमें बाद में हार जाने के बाद फिर से फोर आइलैंड पर पहुँचा दिया जाता। ओके तुम्हें कोई स्ट्रॉन्गर पोकेमोन मिले तो मुझे बताना। ओके जाने दो यार,
ये तो खाने की बात कर रहा था। पेटू, गोलू, ओके, डोंट वरी अबाउट बाइंग एनी थिंग, कुछ भी खरीदने की चिंता मत करना, मेरे हस्बैंड फिशिंग करके हमें अच्छा डिनर खिलाएंगे। भाई मुझे क्यों खिलाएंगे भाई, तो जाने दो बातें उसकी। तो चलो जल्दी से यहाँ इस तरफ देखते भाई, यहाँ तो उसके हस्बैंड है। मैं यहाँ अपनी फिशिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छी फिश मिलती है यहाँ से। ओके जाने दो गाइस। और ये दादाजी क्या कह रहे भाई, मीडो हैज़ बिलोंग टू अवर फैमिली एंड जनरेशन, आई शुड हैव हैड अ जायंट मेंशन। जाने दो, मुझे समझ नहीं आया तो आपको भी समझाने की क्या कोशिश कर सकता हूँ मैं यार। कोई बात नहीं, चलो 5 SL ऑफ मेंशन। ओके गाइज, ये कौन सा पोकेमॉन है, सिल्वाली। वाओ गाइज, हम इसे पकड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सिल्वाली आ जा यार, सिल्वाली आ जा यार। गाइज नहीं आया यार, अभी पकड़ने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे गाइज। बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मतलब कि सब मिक्स हो रहा था। तो जाने दो, ये एरिया स्ट्रिक्टली हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अरे मैं चले नहीं जाऊँगा, तुम्हें मार कर जाऊँगा, आगे जाऊँगा भाई। गंग शॉट से हमें कुछ नहीं होगा भाई, फायर ब्लास्ट कर देते हैं गाइस। अच्छा डैमेज था गाइस, लेकिन फिंटेड तो होना चाहिए था। जाने दो, हमारा पिकाचू वाइल्ड चार्ज सीखना चाहता है, तो देख लेते वाइल्ड चार्ज का डैमेज कितना है भाई। 90, वाओ अच्छा है, लेकिन हमें भी असर होता है, इसलिए मुझे वाइल्ड चार्ज ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जाने दो, हम नहीं सिखाना चाहते पिकाचू को वाइल्ड चार्ज। और इलेक्ट्रोड आ रहा है गाइस, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को फ्लेम थ्रोअर से हरा देंगे। अरे मिरर कोट से हमें हरा दिया, अभी विनस हो रहेगा गाइस। पेडल स्टॉर्म, ओके बहुत अच्छा डैमेज हुआ था। और अभी कट अटैक ही कर देते हैं, एक्सप्लोजन से उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। जाने दो, लेकिन वो हमें भी थोड़ा डैमेज देता गया। अभी कट अटैक के सिवाय कोई अटैकर नहीं है अच्छा ग्रास टाइप के खिलाफ। ओके जाने दो, तो गाइस हमें डॉनफेन को बुला लेना चाहिए और उसके गीगा इम्पैक्ट मतलब कि ब्रेकनेक बेल्ट्स ब्लिट्स की मदद लेनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो हमने उसकी 1 HP कर दी, लेकिन उसने लीफ स्टॉर्म से हमारी भी 1 HP कर दी, ये भी बहुत ही तगड़ा अटैक था। गीगा इम्पैक्ट से हमने हरा दिया उसे, तो देखते हैं आगे कौन है। ओके हमने हरा दिया उसे, क्या सच में मैं हार गया? हाँ भाई सच में हार गया तू। तो चले मैं गाइस पोकेमोन को हील कराने गया था, और पोकेमोन हील करा लिया हमने हमारे, तो अभी आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ देख लेता हूँ गाइस, फिर से कोई मिस्टीरियस पोकेमोन दिख जाए तो, पहले बहुत अच्छा पोकेमोन दिख गया था गाइस हमें, पर यहाँ कुछ है तो देख लेता हूँ। लोपोनी को हमें नहीं पकड़ना यार। ओके ये कौन क्या है भाई, मैक्स पोशन, ओके बहुत अच्छी चीज़ मिल चुकी है हमें। तो चले जल्दी से आगे बढ़ते गाइस, रन कर लेते हैं जल्दी से। ओके सॉस बक, जाने दो। ओके इस लड़की से तो बच गए। मैनफी को नहीं पकड़ना यार हमें, मैनफी नहीं पकड़ना, कोशिश कर देते हैं पकड़ में आ जाए तो अच्छा। फियोने का भाई जैसा है, मतलब कि भाई आ जाना। हमने फियोने पकड़ा है, आपको शायद पता होगा तो हमारे PC में देखा होगा आपने, नहीं देखा तो मैं बाद में दिखा दूंगा। कोई ऐसा भी कोई खास पोकेमोन नहीं है, लेकिन है तो है, जाने दो। ओके आखिरी पोकेबॉल डाल देता हूँ गाइस, लेकिन हमारे टाइफ्लोजन को उसने फेंटेड कर दिया, तो हमें नहीं पकड़ना अभी इस पोकेमोन को, लेकिन हम रन भी नहीं कर सकते, तो पहले पोकेमोन चुनना पड़ेगा, बाद में रन कर लेते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं गाइस, अभी हमारे टाइफ्लोजन को फेंटेड कर दिया, तो हमें रिवाइव करना पड़ेगा यार। रिवाइव, हमारे रिवाइव कहाँ है, वेयर इज़ माई रिवाइव, रिवाइव रिवाइव, ये रही। ओके टाइफ्लोजन को रिवाइव कर देते हैं, बहुत ही अच्छे, चलो रिवाइव हो गया। अभी मैक्स पोशन या क्विक पोशन दे देते हैं, अरे सुपर पोशन ही देंगे यार, हाइपर पोशन दे देते हैं, बहुत अच्छे, तो हाइपर पोशन दे दिया। तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, और यहाँ भी टीम रॉकेट का एक
आदमी हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस तरफ जाएंगे तो वो आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है, तुम यहाँ क्यों आए हो भाई? मेरी मर्ज़ी, मैं जहाँ भी आऊँ वहाँ तो हमारे ग्रीन जगह बुला लेते हैं गाइस उसके राइडॉन को हराने के लिए, और उसने तो काफ़ी तगड़ा डैमेज दिया था गाइस। लेकिन हम वाटरफॉल यूज़ कर लेते हैं। ओके, वीजिंग आ गया गाइस, और ब्लिजार्ड यूज़ कर लेते हैं अभी। डिग डिग यूज़ कर लेते हैं गाइस, वही अच्छा अटैक रहेगा। ओके, स्लज बॉम्ब से हमें फेंटेड कर देगा, मुझे पता ही था। तो अभी वीनासर को क्यों बुलाया आपको पता नहीं होगा, इसके बाद राइडो ने, इसलिए मैंने वीनासोर को बुलाया था। ओके, अब नहीं चेंज करेंगे हम, तो राइडोन को वीनासोर के पेटल स्टॉर्म से ख़त्म ही कर देते हैं। चलो जल्दी से, अभी हमें आगे जाने दो। अरे आगे जाने दे यार, पिकाचू लेवल 52 का हो चुका है, मैंने जैसा सोचा था वैसा हो रहा है। ऐसा कह रहा है भाई, जैसा कहना है वैसा कहने दो इसे। पहले हम फिर से रिवाइव कर देते हैं हमारे ग्रेनिंजा को। ओके, ग्रेनिंजा रिवाइव हो चुका है, और उसे भी हाइपर पोशन या फ्रेश वाटर दे देते हैं। अच्छा है, हमने फ्रेश वाटर भी रखा था हमारे पास, तो सुपर पोशन यूज़ कर लेते हैं अभी। दो सुपर पोशन हो गए और उसकी लाइफ हो गई फुल। ओके, पासवर्ड भी बोलना है, तो पासवर्ड तो एक पासवर्ड तो हमने दे दिया, लेकिन दूसरा पासवर्ड भी चाहिए गाइस, ये कैसी बात हुई? मैं नहीं जानता, ऐसा कह रहा है वो, उससे भी पासवर्ड नहीं पता ऐसा कह रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे नहीं पता होगा। जाने दो गाइस, कोई बात नहीं, अभी यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। तुम यहाँ वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अरे गाइस, मैंने गलती से इससे बात कर ली, क्योंकि बात नहीं करना चाहिए थी, हमें बैटल करना पड़ेगा अब। ओके, फायर ब्लास्ट से डैमेज तो अच्छा मिला, लेकिन ये तगड़ा अटैक है तो एक ही अटैक में ख़त्म तो होना चाहिए ना, लेकिन ख़त्म ही नहीं हुआ गाइस। और फ्लेम थ्रोर का डैमेज तो कम ही मिलेगा इसके खिलाफ, टेंटाक्रुएल है भाई वाटर टाइप। ओके, तो वीनासोर को बुला लेते हैं गाइस, वीनासोर पेडस्टोन। अरे यार, मेरा वैक आ चुका है, तो कोई बात नहीं, मेरा वैक को भी कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि वे अलोलन मेरोवक है, और मेरोवक ने एंडेवर अटैक से थोड़ी तो हालत ख़राब कर दी। और ये क्या था, बर्न अप था क्या? ओके, ब्लिच थी, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया कौन सा अटैक था, जाने दो। हाइड्रो वोर्टेक्स कहते हैं गाइस, फायर टाइप है। तो ओके, एक ही झटके से हरा दिया है हमने। आगे कौन है भाई? डॉन फैन जाओ, हरा दो आरबुक को। मैग्नीट्यूड बहुत अच्छे, कॉइल अटैक किया उसने, कुछ नहीं होगा हमें। मैग्नीट्यूड 9, और फेंटेड कर दिया हमने आरबुक को। हमारा डॉन फैन सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट हमारा डॉन फैन। ओके, जाने दो भाई, ये गेम थोड़ी लैग हो रही थी, जाने दो। और म्यू हमारा लेवल 57 हो रहा है, हो गया। ओके, कौन आ रहा है भाई आगे? टेंटाक्रोल, इसे भी मैग्नीट्यूड से हरा सकते हैं, तो हाइड्रो पम्प से हमारी 1 HP हो जाएगी, मुझे पता था। ओके, मैग्नीट्यूड, इसलिए हमारा डॉन फैन बहुत काम आता है गाइस, क्योंकि 1 HP होकर भी रह तो जाता है ना। ओके, लाइट स्क्रीन सीखना चाहते हैं हमारा पिकाचू, लेकिन हमें नहीं सिखानी, क्योंकि वो डिफेंस ही बढ़ाता है, हमें नहीं सिखाना। चलो भाई, तुम पासवर्ड के बिना नहीं जा सकते अंदर, मुझे पता है, तो मुझे पासवर्ड ढूंढना पड़ेगा। तो गैस, मैंने थोड़ा स्किप कर लिया है, तो हमें इस तरफ जाना होगा गैस, यहाँ कुछ मिल सकता है ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये बर्ड्स कीपर है, तो चलो गैस, इसकी बर्ड्स को जल्दी से हरा देते हैं। तो पहला है फायर पीजी, पीजी को लावा प्लम से आराम से हरा सकते हैं, तो लावा प्लम से एक फेंटेड कर दिया मैंने। आगे कौन है भाई? पिजियोटो। ओके, लावा प्लम उसका इवॉल्व फॉर्म है गाइस, तो इसके बाद पिजियोट होना चाहिए गाइस, अगर ये इवॉल्व फॉर्म रख रहा है तो। और कौन है भाई? ओके, ये तो हार ही गया, जाने दो। और अभी इस ग्रास में क्या है भाई? तुम 4 आइलैंड पर फ्लाई कर सकते हो, 4 आइलैंड्स पर। ओके, मैं मिडिल किड हूँ बर्ड ब्रदर्स का। ओके, तो भाई तुमसे भी बैटल करना पड़ेगा, और अभी स्पीयर हो है तो आगे फियर होना चाहिए गाइस, मुझे इसकी पैटर्न समझ में आ गई। ओके, देखा गाइस, फियर ही आया है, तो फायर ब्लास्ट अटैक कर लेते हैं, और 1 HP रह गई है उसकी, और ड्रिल पैक से बहुत ही तगड़ा डैमेज दिया है उसने।
जाने दो, पिकाचू लेवल 54 का हो चुका है और म्यू लेवल 58। आगे बढ़ते हैं अभी, और एक होगा शायद हेरा क्रॉस। ओके रन कर लेते हैं, नहीं भाई पकड़ लेते हैं गाइस, हम पकड़ में आ जाए तो अच्छा। मुझे हेरा क्रॉस पसंद है गाइस, इसलिए मैं पकड़ने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वैसे तो कॉर्फिश भी मुझे पसंद थी, लेकिन मेरा पकड़ने का मूड नहीं था इसलिए मैंने नहीं पकड़ा। टाइम वेस्ट नहीं करना था ज़्यादा इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन अभी मेरा मूड ना बहुत चेंज होता रहता है, तो अभी टाइम पास करने का मूड है तो इसलिए प्रीमियर बॉल डाल डाल कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है कि वो उसमें नहीं आएगा, जाने दो। अभी ये आखिरी लड़का है तो इससे भी बैटल तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये कौन सा हुट हुट, ओके भाई तो हुट हुट का विकसित रूप मतलब कि वॉल फॉर्म कौन सा है भाई, आपको पता है? पता है तो कमेंट में जो सबसे पहले लिख लीजिए, नॉकटॉल। ओके मैं भूल गया था यार, नाम नहीं आ रहा था याद मुझे, कोई बात नहीं जाने दो। लावा प्लम यूज़ कर देते हैं, ओके फिर से लावा प्लम और फेंटेड कर दिया गाइस हमने उसे, तो तीन तीन भाई को हरा दिया है हमने बर्ड कीपर को। तो सर्फ यूज़ कर लेते हैं जल्दी से, ओके जाने दो। और यहाँ कुछ नीचे दिख रहा है गाइस, तो चले नीचे चलते हैं, यहाँ कुछ हो सकता है गाइस, और मुझे नहीं इससे बैटल करना भाई, मुझे इससे बैटल नहीं करना। और ये क्या है गाइस, मेटल कोट है गाइस, ओह वाओ। लेकिन मेटल का कोट तभी हमें काम लगेगा जब भी हमारे कोई कोई भी पोकेमोन को स्टील टाइप में कन्वर्ट करना है, मतलब विकसित करना हो, तभी अभी कोई काम नहीं आएगा यार। तो मैं सुपर पोशन यूज़ कर लेता हूँ हमारे टाइफ्यूजन पर और इससे बात कर लेता हूँ। ये क्या कर रहा है यहाँ, स्क्रब स्क्रब हेलो, तुम्हारे पोकेमोन हेल्दी लग रहे हैं। ये बरीड माई ऑनिक्स, इसका नाम है टेक्नो टेक्नो ऑनिक्स। वाओ अच्छा है भाई, टेक्नो ऑनिक्स बहुत ही अच्छा नेम है। यहाँ कुछ हो तो नहीं रहा भाई, ऐसा क्यों है भाई, कोई बात नहीं चलो चलते हैं यहाँ, आगे बढ़ते हैं। ओके तो चलो सर्फ यूज़ करना पड़ेगा अभी, यहाँ से तो जा नहीं सकते आगे। वैसे मुझे लगता था कि यहाँ कुछ तो है, मतलब कि मुझे दूसरे आइलैंड पर जाना होगा ऐसा लग रहा है। यहाँ इस आइलैंड का सफ़र तो ख़त्म होता है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ गाइस, फी बास आ रही है बार बार। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके तो आगे कौन है भाई, फिर से ट्राई करते हैं गाइस, फिर से ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ। तो गाइस आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय।